समबाहु त्रिभुज के परिवीर्ण तथा अंतर्वीर्ण के क्षेत्रफल का अंतर। 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? देखिए त्रिभुज समबाहु है, परिवीर्ण बाहर का वृत्त हुआ, अंतर्वीर्ण अंदर का वृत्त हुआ। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसका सब भुजा बराबर होगा, ये है तो ये होगा, ये होगा, ठीक है। अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल का अंतर बोलता है, परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर कितना है? तो हम जानते हैं अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अंतर का क्षेत्रफल, जब भी हम अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो जब भी अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले अंतर्वृत्त का हमको त्रिज्या चाहिए, तो अंतर्वृत्त का त्रिज्या हमको पहले देखने के लिए अंतर्वृत्त का त्रिज्या, मान के चलिए अब अंतर्वृत्त का हम त्रिज्या निकालना चाहते हैं, क्या क्षेत्रफल तभी होगा जब त्रिज्या निकलेगा। जब त्रिज्या निकलेगा तो अंतर्वृत्त का जो त्रिज्या होता है वह होता है आपका ए 2√3 और परिवृत्त का ए बटा रूट थ्री, ये आपका होता है अंतर्वृत्त का होता है एन ए बाय 2√3 और परिवृत्त का होता है ए बाय रूट थ्री। तो लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आया कहाँ से, आया कहाँ से। तो देखिए ये हम समबाहु त्रिभुज है, इसका पूरा स्ट्रेट हम बता दिया, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ और यह डी हुआ। तो जब यहाँ से यहाँ तक ए है, ए बाय 2 होगा, ए बाय 2 होगा, तो आप पहले इसका लंब निकालिए, लंब लंब एडी, एडी इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। यह जो आपका चलेगा ए बी, ए बी आपका ए है, ए स्क्वायर, एडी आपका क्या है ए बाय 2 माइनस ए बाय 2 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। कुछ नहीं तो हुआ है, एलसीएम आप लिख दिया यहाँ 4 को ए से और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 4 ए स्क्वायर में 1 ए स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा 3 ए स्क्वायर बाय 4। तो इसका जब आप निकालिएगा ये हो जाएगा अंदर 3 ए बाय 2, थ्री ए बाय 2, यह आपका क्या हो गया ए डी हो गया, यहां से यहां तक ए से डी तक आपका हो गया ए डी इक्वल टू रूट 3 ए बाय 2। अब हम छोटी वृत्ति तीन भाग में बढ़ जाता है, एक भाग, दो भाग, एक तीन भाग, 1 2 3। तो हम तीन लेना है, एक भाग लेना है, जब हम एक भाग लेंगे तो इसका यहां से तीसरा बार आ गया, हम इसका एक भाग लेना चाहते हैं, तो आपका जब एक भाग लेना चाहते हैं ए, तो हो जाएगा 2 3 ए बाय 2 ना तो हो जाएगा ए बटा 2√3 आ रहा है ना, ए बटा 2√3। यहाँ पे हम निकालें ए डी, ए डी निकालें, ए डी हमारा निकला ए रूट 3 ए बाय 2। तो हमको लेना है यह भाग, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, तीन भाग में से हमको एक भाग लेना है, इसलिए हम 3 से डिवाइड कर दें इसको, 3 से 3 × 6 तो √3 × √3 × 2 लिख सकते हैं, √3 × √3 × 3 6 हो जाएगा, √3 √3 कट गया, ए बटा 2√3। इसी प्रकार क्या प्राप्त हुआ, अंतर त्रिज्या, या कोई अपने से बनाने का चीज नहीं है, सूत्र बना दिया जाता है।
उसी तरह आपने अभी निकाला एडी, एडी अभी निकाला, क्या निकाले थे रूट थ्री ए बाय टू, ठीक है। जब हम इसका दो भाग लेंगे, जब हम इसका दो भाग लेते हैं तो क्या करना पड़ जाएगा, टू बटा थ्री लेते हैं किसका, रूट थ्री ए बाय टू का, गया कट गया तो बचा रूट थ्री ए बाय थ्री, इसको हम लिख सकते हैं रूट थ्री ए है, इसको रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री कट गया, क्या हो गया ए बटा रूट थ्री, क्या हो गया बाहरी त्रिज्या, क्या हो गया बाहरी त्रिज्या, ए बटा रूट थ्री। या मैंने आपको सिखाया कि